हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है शनि पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका CSIR है ना। अभी क्या हुआ है, CSIR ने अपने 2023 के जब उसका केस एग्जामिनेशन होता है, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम जो है, उसके लिए उन्होंने जो आवेदन है वो शुरू कर दिए हैं। तो उस जो जहाँ पर आप काम करने वाले हैं, जिस भी संस्था में आप काम करने वाले हैं, वो संस्था क्या काम करती है, कैसे काम करती है, आपको क्या काम करना होगा, है ना। आपका CSIR है, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। अब वहां पर आप साइंटिफिक वाला काम करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका CSIR काम करता क्या है, उसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, उसका रोल क्या है, इंडिया इंडिया के अंदर उसका रोल क्या है बेसिकली, और जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो आप ASO और ASO की जो जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, आपको उसमें क्या काम करना होगा, उसके बारे में वीडियो पूरा होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना रखूं ताकि आपको कम टाइम में इस वीडियो को समझा सकूं और वापस से आप अपनी तैयारी पर जाकर आप लग सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको समझा सकूं। स्टिल आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, वहां पर मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी समस्या को दूर करने के लिए। तो ये मेरे पीछे जो एक पेज ओपन हुआ है, ये है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ये है। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक। चलिए, तो अब यहां से हम सीखते क्या है, हम समझते क्या है, यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे आपका कि बेसिकली ये चीजें यहां पर हो क्या रही हैं। तो ये देखिए, आपका एक एग्जाम है, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा वो है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। इसको यहाँ पर केस 2023 बोला गया है। बहुत से लोगों को यहाँ पर अभी ये भी कंफ्यूजन है कि ये केस आखिर है क्या, इस केस में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसमें आपका एग्जाम होगा SO और ASO की पोस्ट के लिए, जो होता है आपका सेक्शन ऑफिसर और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये यहाँ पर चीजें ऐसी हो चुकी हैं ये, और यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 444 पोस्ट है, 444 पोस्ट है। आवेदन जो है वो उसके 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 12 इसकी जो है लास्ट डेट है। यह इस फॉर्म के बारे में जानकारी थी कि ये फॉर्म में क्या क्या है। अब यहां पढ़ने वाले हैं कि भाई ये है क्या। तो CSIR जो है, मैं आपको उसकी फुल फॉर्म जो है बता चुका हूं, प्लस ये एक ऑटोनोमस बॉडी है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है, और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। सबसे बड़ा जो संस्थान है R&D के लिए हमारी कंट्री में, वो CSIR ही है। अब CSIR के भी बहुत मल्टीपल पार्ट्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। स्टैब्लिश कब हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 26 सितंबर 1942 में, और उसके हेडक्वार्टर जो है वो आपके न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर जो है वो आते हैं, ठीक। अब इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया था भाई, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े, सर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। ये उनका फोटो है, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उनको फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज भी बोला जाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी लैब्स हैं, आपकी जो जॉब पोस्टिंग होगी वो आपकी अलग अलग लेबोरेटरी में होगी, काम आपको वहीं पर करना होगा। तो जो भी मतलब एक की लैब क्यों बनानी चाहिए, रिसर्च हमें क्यों करनी चाहिए, ये सभी जो है वो श्री शांति स्वरूप भटनागर जी जो है उन्होंने यहाँ पर हमें सारी चीजें उन्होंने बताई थी, और इन्होंने यहाँ पर जो बोला गया था, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है साइंटिफिक रिसर्च में हमारे जो इंडिया में जो चीजें हुई हैं, ठीक। तो यहां तक ये था आपका CSIR के बारे में। अब देखो, जो CSIR का जो प्रॉपर एक काम है वो किस किस फील्ड में काम करता है, मैं आपको यहां पर थोड़ा समझा दूं। जो फील्ड है उसका वो आप देखिए यहां, चाहे आपका वो साइंस एंड जो आपकी पूरा एक वाइड स्पेक्ट्रम है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, उसमें भी आपका रेडियो, स्पेस फिजिक्स, ओशनोग्राफी, जियो फिजिक्स, केमिकल्स, ड्रग्स, जिनोमिक्स, बायोटेक, नैनोटेक, माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में CSIR जो है वो काम करता है। कोई छोटा मोटी जॉब नहीं है, कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक का हमारे इंडिया का। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में है ये सारा जो वहां पर काम करता है, ठीक है। आपका वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है सब यहां पर होती है, इन सब फील्ड के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक। उसमें भी, और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसमें भी ये बहुत अच्छा इसका स्कोप है, उसमें बहुत सारा ये जो है वो काम करता है। मैं आपको यहां पर समझाऊं, ये देखिए जो लैब्स हैं,
जो सीएसआर की लैब है वो किन किन फील्ड में है रिस्पेक्टिवली, ये सब सारी डिटेल्स आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं आपको वहां पर आपको दिखा भी दूंगा। 11 लैब जो है, 11 डिपार्टमेंट अलग अलग बायोलॉजिकल साइंसेज में, देन आपका केमिकल साइंस है, देन आपका इंजीनियरिंग साइंस है, देन आपका इंफॉर्मेशन साइंस है, देन आपका फिजिकल साइंस है, इन सभी में इनकी लैब जो है क्लस्टर वाइज जो है वो डिवाइड की गई है। तो बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ये एक नौकरी है, बहुत बड़ा संस्थान है जहां पर आपको काम करने के लिए आप बहुत इच्छुक होंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर जो है इसमें हो रही हैं। ठीक, तो यहां तक आई थिंक आज सबको क्लियर होंगी कि आपकी यहां पर क्या चीजें हैं। अब हम जहां पर बात कर रहे थे कि आपको करना क्या है, स्टिल क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये हो जाता है स्टिल आपके मन में, मैं यहां पर वीडियो है, मैं यहां पर बनाऊंगा वीडियो, मैं बोलूंगा और आपको वीडियो मिल जाएगी, आप ये सवाल होंगे, आप उन सवालों का जवाब जो है वो ठीक से समझ ना पाए, बोल ना पाए, इसलिए आपको कोई क्वेरी रहे, आपको डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट करना हो, तो यहां पर क्या है, हमारी एक वर्कशॉप है थर्सडे को 14 दिसंबर को, ठीक है, 14 दिसंबर को एक वर्कशॉप होगी बिल्कुल फ्री जो रात को 8 बजे होने वाली है। उसमें हम सभी लोग यहां पर जो है वो रहने वाले हैं और आपके कोई भी डाउट होगे इस चीज से रिगार्डिंग, आपको यहां पर वो सब कुछ वो है वो मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ये वर्कशॉप जो है ये आपके लिए सारी चीज यहां पर जानने के लिए है, आपको कुछ डाउट है इस एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कुछ भी आप पूछना चाहें आप यहां पर कर सकते हैं। ये फ्री वर्कशॉप है, ये फ्री वर्कशॉप को मैं यहां पर आपको यहां पर बता रहा हूं, बाकी भी प्रोफाइल के बारे में आगे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। और ये हमारी पूरी फैकल्टीज है, अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाते हैं भाई एसओ की प्रोफाइल पर और आपका एएसओ की प्रोफाइल पर, ये काम करते क्या है। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि आप गए और आपको बोला कि यार आप तो साइंटिस्ट हो, आप साइंटिस्ट बनना है, आपसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है ग्रेजुएशन में या कुछ ही मांग गया है, तो बहुत सिंपल चीज है, आपसे वहां पर कुछ नहीं मांगा गया, आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है और आपकी एज लिमिट जो है वो 33 साल की है। सबसे बढ़िया बात यह है, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे वो साइंटिस्ट वाला काम तो कराएंगे नहीं, है ना। जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं और जो एएसओस होते हैं, बेसिकली आप देखो ना, अब देखो भाई फंड्स लेकर आने हैं, पैसा लेकर आना है, पैसा लाना है सरकार से, वो लोगों में बांटना है, ठीक है, लोगों से काम करवाना है, फाइल्स होती हैं जो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें भी तो कोई ना कोई मैनेज करेगा ना, जो पेपर वर्क है बेसिकली, ठीक है, पेपर वर्क जो है ये आपके एसओज एंड और आपके जो एएसओज है ये लोग करते हैं, है ना। अब बोलोगे तो क्लर्क वाला काम है, भाई ये क्लर्क वाला काम नहीं है, बहुत बढ़िया ये काम होता है एसओ का और एएसओ का, बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी गजेटेड एंड नॉन गजेटेड की आपकी यहाँ पर पोस्ट है, बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है। अब क्या काम है, ठीक है, आपका जो पूरा आपका जो डिपार्टमेंट है, एसओ जो होते हैं सेक्शन ऑफिसर, आपका कोई डिपार्टमेंट होता है पर्टिकुलर, उसका एक हेड होता है वो, अब उसके डिपार्टमेंट के अंदर क्या उसको काम कराने हैं, उसके अंदर जो काम है आपके जो फंक्शनिंग है वो एफिशिएंटली हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके जो एडमिन के टास्क, मैंने बताया ना आपको एडमिन के टास्क जो होते हैं उनको देखना, ठीक है, फाइल्स को मैनेज करना, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, ये सारे काम होते हैं, ठीक। बेसिक और काम में भी क्या है, बेसिकली ये इनको देखते हैं, करेंगे खुद भी नहीं, करेंगे इनके नीचे वाले लोग, क्योंकि एसओ के पास इससे ऊपर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको मैनेज करना है, ये रिपोर्ट्स लेते हैं कि हाँ भाई आज तुमने क्या किया, मेरे को बताओ, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है वो तो नीचे वाले लोग ही करते हैं, एक मतलब ऑफिसर तो वही काम करता है ना, ऑफिसर बेसिकली क्या करेगा, आपको गाइड करता है, है ना, तो ये वो वाली चीज है, ठीक। उसके बाद जो आपके अदर डिपार्टमेंट्स हैं, आप तो एक डिपार्टमेंट के एसओ बन चुके हो, बाकी डिपार्टमेंट भी होंगे, उनसे भाई कोऑर्डिनेट करना कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, आपको क्या सुधार करना चाहिए, बहुत सारी चीजें, ठीक। फिर पॉलिसीज जो होती हैं उनको इंप्लीमेंट करना, ठीक, पॉलिसी इंप्रूवमेंट आपके जो होती है डिपार्टमेंट के अंदर, पॉलिसीज होती हैं उनको संभालना, ठीक। उसके बाद बजट्स को देखना, फाइनेंशियल मैटर्स को देखना, ठीक है, और आपकी जो हायर अथॉरिटीज हैं, भाई एसओ से ऊपर तो बहुत लोग होते हैं, एसओ से ऊपर ही बहुत लोग हैं, आपसे नीचे बहुत लोग हैं, अब उनके बीच में एक गैप लेकर चलना, मतलब गैप को फिल करना कि हाँ भाई उनकी बात यहां तक जाए, यहां तक की बात ऊपर तक पहुंचे, फंक्शनैलिटी बनी रहे, एज अ सोर्स एज अ मीडियम काम करना, ठीक। तो ये सारे काम होते हैं। अब ये सारी चीजें बताते हैं, ये हैंडल करते हैं, ये बोलते हैं एएसओ को, एएसओ छोटा होता है, एसओ से बड़ा होता है, ये दोनों में डिफरेंस है, यही इनकी हायरार्की है, एसओ यहां है, एएसओ यहां है, एएसओ बोलेगा ऐसे करना है, एएसओ बोलेगा ठीक है सर मैं ऐसा कर दूंगा, जो भी उसको काम बोले करने के लिए एएसओ अपने नीचे वाले लोगों से करवाता है या फिर वो खुद करते हैं जो उनके हाथ में चीजें होती हैं, ठीक है। ये दोनों का बेसिकली यहां पर काम है, ठीक है। क्या लिखा है पहला पॉइंट देख लो आप, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द सेक्शन ऑफिसर, जो आपके सेक्शन ऑफिसर हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है। उसके बाद असिस्ट करना फाइल को मैनेज करने में, असिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये बड़े हो गए, असिस्ट का मतलब है ये वो काम करेंगे, वो बोलेंगे मेरे को फाइल को अरेंज कर दो, ये उस फाइल को अरेंज करवाएंगे, उनको असिस्ट करेंगे, ठीक।
उसके बाद लेटर्स को ड्राफ्ट करना, रिपोर्ट्स को बनाना, ठीक है, अदर कम्युनिकेशन है। ड्राफ्टिंग लेटर रिपोर्ट बनाना वो ऐसा काम नहीं है, वो सा काम है चेक करने का। ये यहाँ पर चीजों को ड्राफ्ट करते हैं, लेटर्स को बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद आपके वही जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनको हैंडल करना, ठीक है, उनके रूटीन को देखना। उसके बाद जो आपके वही अदर जो सेक्शन है उनके एसओ से बात करना कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, आप क्या ठीक करोगे, हम क्या ठीक करेंगे, ये सारी चीजें। और उसके बाद बाकी रिसर्च करना, एनालिसिस करना, अगर कोई जरूरत है तो ये अपने लेवल पर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड देन ये जो आपकी जो इनके एसओ साहब है उनको बताते हैं कि सर ऐसा से मैंने किया है, आप उसको देख लीजिए, इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका यहाँ पर काम रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप देखिए, उससे आप समझिए। मेरे पीछे एग्जामिनेशन की स्कीम है, इसको जरा आप एक बार फिर से देख लो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उसका देखो। बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा मतलब क्या है, आप लोग यहाँ तक एंड तक आए भी हैं नहीं भी आए मुझे तो खैर पता भी नहीं है, बट एक मोटिव ये रहता है कि आप जहाँ जा रहे हैं यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसओ के बारे में जानने के लिए, एएसओ के बारे में जानने के लिए, सीएसआईआर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अभी यहाँ पर क्या है, जो आपका ये पूरा है ना चीजें कि आपका पैटर्न क्या है, तो भाई देख लो यहाँ पर ये पैटर्न है। और जो भी आपकी आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी ये जो है 32 साल की होती है यूपीएससी में, तो एक साल आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया है। अब ये अगर आप वहां से कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए बाई चांस, तो उसके लिए खैर आप क्या ही कर सकते हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस तैयारी को आप यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम पेपर है, सेम पैटर्न है, वहां से आप उसके अपनी तैयारी को उसमें आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। आपका पेपर वन है इसमें, उसमें आपके दो पार्ट है, जीए और इंग्लिश का, फिर पेपर टू है, उसमें आपके इंटेलिजेंस रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है 200 नंबर की, इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और इंटरव्यू सीपीटी आपका होगा, इंटरव्यू होगा आपका एसओ के लिए और आपका सीपीटी होगा आपका आपका एएसओ के लिए, ठीक है। ये सॉरी सीपीटी होगा एएसओ के लिए, इंटरव्यू होगा आपका एसओ के लिए, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको यहाँ से चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वर्कशॉप है, ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर मैं कोर्स की बात बाद में करूंगा, पहले वर्कशॉप पर आइए, पहले आप समझिए, जानिए कि आपको आप पढ़ किस से रहे हैं, आपको समझना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, तभी आप इस वाले पार्ट पर आना। इसके लिए मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरा मोटिव है कि आप वर्कशॉप को अटेंड करें, वर्कशॉप में आप आए और देखें यहाँ पर कि क्या चीजें किस तरह से यहाँ पर हो रही है, ठीक। तो यही था मेरा मोटिव इस वीडियो बनाने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो उसको आप मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उस तक पहुंचाइए। और आप भी भाई इसके एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छे से, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं थर्सडे को रात को 8 बजे। थैंक यू सो मच।